बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों। मेरा नाम अबरार हैदर है और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। किसान भाइयों, आज मैं महर इमरान साहब के पास आया हुआ हूँ, इनके फील्ड में। इनसे थोड़ी सी जड़ी बूटियों के बारे में बात हुई कि गंदम की जड़ी बूटियों का स्प्रे कर रहे हैं और नुकसानात के बारे में बात हुई कि जड़ी बूटियां कितना एक नुकसान करती हैं हमारे फील्ड में। तो इन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प मुझसे सवाल किया कि अबरार भाई, आप हमें स्प्रे तो हर साल करवाते हैं, हमें कुछ ऐसा बताएं कि ये जड़ी बूटियां हमारा नुकसान क्या करती हैं। ये तो गंदम के साथ उगती हैं, गंदम के साथ ही परवान चढ़ती हैं और कहा जाता है कि जड़ी बूटियाँ जिस खेत में हों ना, वो खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि ये खेत का जेवर है, फसल के साथ होती हैं। हम इन्हें क्यों नुकसान पहुंचाएं, क्यों मारते हैं, हमें वजह बताएं। तो मैं अपने इमरान भाई के साथ इस फील्ड में आया हूं, इनको थोड़ी सी उस चीज़ के बारे में बताऊं कि ये जड़ी बूटियां नुकसान क्या करती हैं। आज मैं सिर्फ अपने इमरान भाई को सिर्फ उस जड़ी बूटी के बारे में बताऊँगा जो गंदम का सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, बल्कि वो गंदम की पैदावारी सलाहियत को भी ख़त्म कर देती है। तो किसान भाइयों, उस जड़ी बूटी के बारे में बताने से पहले और चौधरी साहब से चंद एक सवाल करने से पहले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। किसान भाइयों, हम खेत में ही खड़े हैं, तो मैं अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि वो कौन सी जड़ी बूटी है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, दुम्बी सिट्टी। मैं एक और भी उठा लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, तो यह है दुम्बी सिट्टी। अब आप कहेंगे कि ये दुम्बी सिट्टी क्या नुकसान करती है, तो थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल बता दूं कि जैसा कि मैं आप दिखा रहा हूं, ये देखें, इसकी ख़ास निशानी है कि ये रेड कलर की होती है, नीचे से रेड कलर की होती है। आप इसको जितना तोड़ते जाएंगे, ये रेड ही नज़र आती जाएगी। अभी एक और दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमेशा रेड ही नज़र आती है। अगर अपने हाथों पे लगाएं तो लाल निशान छोड़ती है जी। अच्छा, तो किसान भाई, ये जो मैंने रेड मादा आपको दिखाया है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पता है क्या होता है? ये एक ऐसा मादा है जो अपनी जड़ों के ज़रिए ये दुम्बी सिट्टी खारिज करती है और गंदम बजाए के ऊपर आने से कम होती चली जाती है, उसकी सारी खुराक ज़ाया हो जाती है। और जिस जगह ये दुम्बी सिट्टी होगी, उस जगह आपकी गंदम बिल्कुल जो है ना, पीली नज़र आएगी और ग्रोथ नहीं करेगी। अच्छा, तो इसके बारे में और भी थोड़ी सी मालूमात मैं आपको बता दूं, ये नोकीले पत्ते में आती है। इसको मारने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है मोज़र, तो वो इसका बेहतरीन कंट्रोल करता है। अच्छा, तो एक बात मैं आपको और बताता जाऊं, हमारे इमरान साहब कम से कम 100 एकड़ काश्त करते हैं और इनकी पैदावार जो है 50 से 60 मन तक आती है। मैं इनसे थोड़ी सी बात करूंगा कि ये आपको बता दें कि 50 से 60 मन किस तरह ले लेते हैं। वैसे तो मैं इनके फील्ड में अक्सर चक्कर लगाता रहता हूं, इनको मशवरे भी देता रहता हूं, मगर हिकमत अमली इन्हीं की होती है कि इतनी पैदावार ये ले लेते हैं। ज़रा इनसे अपनी ज़बानी सुन लें कि किस तरह ये इतनी पैदावार लेते हैं। तो जी इमरान भाई, भाई जो हमारी फसल है ना, ये इतनी पैदावार देती है भाई बिलाल की वजह से देती है। ये जो बताते हैं ये दवाई पाएँ, ये स्प्रे करें, हम इनके जो कहने पर करते हैं, इसलिए हमारी इतनी पैदावार जो है वो बढ़ती है। इनके कहने का मतलब है, ये जड़ी बूटी जो है ना, इन्हें बताइए, इनके फ़ायदे आपने इन्हें बता दिए, लेकिन जो तहफ़ वाली दवाई है ना, ये बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है माशाल्लाह। हम इनसे साथ जो काम कर रहे हैं, जो ये बताते हैं हम वो करते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, पैदावार भी अच्छी होती है माशाल्लाह। जड़ा है ना, ये बहुत अच्छा मुझे जो है ना फील करते हैं।
जी तो किसान भाइयों, आपने जैसा कि सुना कि इमरान भाई को इससे फ़ायदा होता है, जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करवाते हैं, जो भी मशवरा देते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बेहतर तो यही है कि आप भी, जिस तरह मैंने इस दुम्बी सिटी के बारे में बताया है, इसी तरह आप भी इन जड़ी बूटियों के बारे में इतना लाइट फील ना लिया करें, ये नुकसान देती हैं आपके खेत को। इसका स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है और इससे कम अज़ कम मैं आपको बताता चलूँ 5 से 10 मन आपकी पैदावार बढ़ जाती है। इसलिए आप स्प्रे ज़रूर किया करें। स्प्रे की एहतियाती तदाबीर भी मैंने इनको बता दी है। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा जिसमें मैं दवाइयों के बारे में और भी मालूमात देता रहता हूँ, वो आप देखें, उनसे फ़ायदा उठाएं। और स्प्रे के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने इन प्लाट्स पे स्प्रे किस तरह करा है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो इनकी गंदम कम से कम 25 एकड़ यहां पे खड़ी है, मैं इनको आके स्प्रे खुद अपनी जेरे निगरानी करवाऊंगा।